यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड दिस इज आर F2P अकाउंट जो हमने दो दिन पहले बनाया एंड दिस इज द थर्ड डे ऑफ द अकाउंट एंड वी आर ऑलरेडी लेवल 31 और हम रेडी है चैलेंज करने के लिए इग्रिस द रेड नाइट कमांडर को चैलेंज करने के लिए. सो या विद दैट चलिए चलते हैं, लेट्स गो ओवर द बिल्ड जो हम यूज करने वाले हैं संजीन बू का इन ऑर्डर टू टेक डाउन इग्रिस. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो SSR वेपन है बट हम दोनों SSR वेपन नहीं यूज़ करेंगे. वी आर गोइंग टू बी यूजिंग वन SR वेपन जस्ट टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग एंड ताकि और रिलेटेबल हो सके. ओके, वी आर गोइंग टू यूज़ द हंट्समैन जो कि हमें मिल गया था बाय गोइंग टू द PT. सो फॉर द मोस्ट पार्ट हम PT तक ही गए हैं. वी हैव टू SSR कैरेक्टर्स इन हंटर्स, वन इज छोई जोंग इन एंड अनदर वन इज एमा लॉरेंट. तो ये लेवल अप भी नहीं किए हुए, सो लेट्स लेवल देम अप टू 31 so that they are up to the mark in order to go against Igris. Okay, build के through जाते हैं तो they are rocking R rank weapons जो कि हमने A5 किया for the most part. Now Emma is having one A1. अगर हमारे पास एक spare weapon है तो हम उसे वो दे देंगे. तो okay, जिन्हों के पास HP वाला weapon है, so we are going to equip this on Emma so that she gets some more attack buff and HP buff. ताकि वो और ज़्यादा डैमेज डील कर सके. सो आई गेस वी आर रेडी टू टेक डाउन द नाइट कमांडर इग्रिस. सो लेट्स गो एंड स्टोरी मिशन पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू जस्ट चैलेंज इग्रिस द रेड हियर. ओके, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम दे देता हूँ जस्ट फॉर सम फन. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैटल. ओके, सो दिस इज द टीम वी आर गोइंग विथ. सो वी आर ऑलरेडी 10,000 पावर बिलो द रिक्वायर्ड पावर रिक्वायरमेंट्स. ओ माई गॉड, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ. बट ठीक है, एनी हूँ, हम खेलेंगे एंड लेट्स सी इफ वी कैन डिफीट हिम विथ दिस टीम राइट हियर जो कि अंडर पावर्ड है. ओके, वी आर अंडर पावर्ड बाय 10,000, दैट इज क्रेजी. Let's go. Bro, he is so enticing. I can't believe he's able to move that fast. Okay. Something about him is different from everyone else. He's stronger than I imagined. Okay, wow. We didn't want to get hit with this. But ek bhi shadow step nahi land ho raha hamara. We want to get the shadow steps in. Okay, we got the break. That is great. Do some work, Jinwoo. Blue spear. Okay, shadow step. Nice. 60% defense down. You're no match for me. Die. Okay. Okay, wow, I tried to dodge that, but ठीक है. Okay, there we go. Finally. Okay. Nice, let's go. Break कब मिलेगा? Okay, I guess this is going to be the break. There we go. We don't have any healers. So, ye ek problem ho sakti hamare liye. Oh my god. Wow. I tried to dodge that. Theek hai, let's go. Bhai, yahan pe corner pe nahi rehna chahiye. Ye bahut hi irritating hota hai. Okay. Already activated. Let's go. Let's go. Okay, हमारा shadow step पूरा ही miss हो गया. Wow. Let's go. All right.
भाई साहब। ऑल राइट गाइस, तो चले चलते हैं इग्रिस को चैलेंज करते हैं अब। ओके, लुक्स फन, या इट डज, इट डज। ओके, डबल डैश मारेंगे। ओके, लेट्स गो, लेट्स डू इट। इग्रेस द रेड, हमारा अटेम्प्ट रहेगा यहाँ पे एक्सट्रीम इवेजन लेना। लेट्स गो, गॉट इट। इफ यू कैन गार्ड ब्रेक हिम फास्ट, अभी अगर यहाँ पे हमारे पास दो गार्ड ब्रेक एबिलिटी होता तो अच्छा रहता, बट ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट वाले में यहाँ पे गार्ड आ जाएगा हमारे पास। लेट्स गो, ओके, लेट्स ब्रेक हिम हियर, लेट्स गो। Right, going good so far. Ah, shoot. Oh my God, gaya. ओके, हमारे पास कोई हीलर नहीं है, सो वी डोंट वांट टू लूज दोज एचपी। आ शूट, ओके, आई थिंक हमारा डैमेज अभी एनफ नहीं है कि हम इसको हरा पाए। आउच, गया। ओके, ऑलराइट, आई डोंट थिंक हमारा डैमेज अभी एनफ है, रन अच्छा था ये। ओके, ओके, सो वेपन को थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं, लेट्स लिमिट ब्रेक इट, और इस वेपन को ले जाते हैं हम लेवल 60 तक, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक वी कैन नॉट इवन अफोर्ड इट राइट नाउ, हमारे पास उतना वेपन एनहांसमेंट मटेरियल भी नहीं है, सो आई गेस वील गो अप टू 50, ठीक है, टू सेव अप सम रिसोर्स। ओके, कितना हम जा सकते हैं, वी कैन स्पेंड 105,000, और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा लेवल अप मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इन आर डैमेज, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। एंड इसको स्किल अप भी कर सकते हैं हम, सो लेट्स स्किल इट अप, मेन स्किल को हम इसका अपग्रेड कर लेंगे, एंड आई गेस वी कैन ऑल्सो अपग्रेड दिस स्किल। सो या आई थिंक वी हैव अपग्रेडेड इट एनफ कि अब हम अच्छा खासा डैमेज डील कर सकें एनिमीज को। स्किल्स के टर्म्स में लेट्स स्विच कमांडर्स टच फॉर सम ब्रेक एबिलिटी स्किल, ओके, क्योंकि हमें ब्रेक चाहिए, राइट, सो वी विल प्रोबेबली गो फॉर दिस वन। म्यूटिलेट भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूटिलेट इज़ ऑल्सो अ गुड वन, इन्फ्लिक्ट्स द एयरबॉर्न ऑन द टारगेट, ओके, आई गेस विल गो, वी आर गोइंग टू गो विद दिस वन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमांडर्स टच। एंड इसको लेवल अप भी कर लेते हैं थोड़ा सा, आई थिंक वी डोंट हैव द बुक्स, बट ठीक है, आई गेस दिस इज अ गुड अपग्रेड फॉर हिम। आई थिंक विद दिस वी कैन ट्राई एटलीस्ट वंस अगेन। थोड़े अपग्रेड्स किए हमने कैरेक्टर्स पे, तो लेट्स गो। ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट 42,844, ओके, डिसेंट अपग्रेड। आई थिंक हमें थोड़ा गियर फार्मिंग और करना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू गो विथ सम स्ट्रॉन्गर गियर्स ऑन जिनवू, आई गेस दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी। एंड मुझे लग रहा है आर्म्ड सेट इस पर पूरा लगाना पड़ेगा, सो दैट वी गेट द
डिफेंस डिक्रीज एंड द अटैक इंक्रीज. ओके, क्रिट सेट से जाना अभी वर्थ इट नहीं है टू बी ऑनेस्ट. ओके, वी डिडंट गेट द, माय गॉड. ओ भाई, भाई मेरा फ्रीज भी है, कैंसिल कर दिया. ओके, नॉट लुकिंग गुड. ओके, काउंटर अटैक, दैट्स गुड. शैडो स्टेप, लेट्स गो. ओके, फ्रीज, गेट फ्रोजन ब्रो, गेट फ्रोजन. ऑलरेडी हमारा पावर लेवल कम है. आर अटेम्प्ट इज टू गेट फास्टर. ओके, ओके, अभी एम आएगी तो ब्रेक कर देगी इसको. लेट्स गो, अल्टीमेट यूज करते हैं. लुकिंग सो बेटर. ओके, लेट्स फ्रीज. ओके, फ्रीज हुआ ही नहीं, वाओ. लेट्स डू द शैडो स्टेप. ओके, आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट हिम दिस टाइम. ओके, ओ माय गॉड, बाय. ओके, शैडो स्टेप, लेट्स गो. लेट्स गेट द ब्रेक इन. लेट्स फ्रीज हिम. भाई एचपी रिकवरी क्यों हुआ मेरा? ओके, ओ माय गॉड, आई वाज ट्राइंग टू लुक एट हिम. माय गॉड, इरिटेटिंग. ओके ओके ओके, काम डाउन, काम डाउन इग्रेस, काम डाउन, काम द एफ डाउन. ब्रेक खाओ और मजे लो. अरे यार, ऑल राइट ऑल राइट, वेरी क्लोज वेरी क्लोज, वी कैन डू इट, वी कैन डू. ओके, तो गाइस कई घंटों बाद वी हैव मेड सम वेरी बिग चेंजेस इन द अकाउंट, तो उसके गो थ्रू मैं करता हूँ. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द हंट्समैन वेपन 33 ग्रिमोर लेवल 50 एंड 40 रेस्पेक्टिवली. स्किल्स में हम यूज़ करने वाले हैं विद दिस डार्क रून जो हमें रिसेंटली मिला, जिसे काउंटरिंग ब्रेक हमें मिलता है. सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस ताकि हम जल्दी जल्दी ग्रिस को ब्रेक कर सके. फिर अदर ब्रेक स्किल में हम डेथ्स डांस यूज़ करेंगे. सो ये दोनों ही आपके पास हो जाने चाहिए इफ़ यू आर लेवल 31. उसके अलावा स्टैट्स पॉइंट एलोकेशन की बात करेंगे तो हमने 14 पॉइंट्स दिया हुआ है क्रिट हिट रेट, क्रिट हिट डैमेज, एजिलिटी को, 100 पॉइंट्स अटैक पर है और 105 पॉइंट परसेप्शन पर है यानी कि प्रिसीजन पर. स्टैट वाइज देखा जाए तो अब अपडेटेड स्टैट्स के साथ 91% प्रिसीजन, 12.5% क्रिट हिट रेट और 53% क्रिट हिट डैमेज के साथ है संजिन वू. सेट में क्रिटिकल हिट रेट वाला सेट है टफनेस, तो 12% बढ़ के 20% हो जाता है विच इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर फॉर क्रिट हिट रेट. और 32% क्रिट हिट डैमेज है, तो अब इसका क्रिट हिट डैमेज भी 85% है विच इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई. ठीक है, तो इससे काफ़ी अच्छा डैमेज अब इसके साथ होना चाहिए. हमने स्किल्स में भी कुछ अपग्रेड्स किए हैं. हमने अल्टीमेट स्किल को एक लेवल अप किया क्योंकि उससे हमारा परसेंटेज डैमेज का थोड़ा बढ़ जाता है. हंटर्स में हमें मैसिव डिफरेंस देखने को मिलता है. यहाँ पर अब हम फुल ब्रेक सेट रन कर रहे हैं एमा लॉरेंट पे. ये 5600 एचपी के साथ है जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इसका स्टैट्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें. 21% क्रिट हिट रेट विच इज़ ऑल्सो डिसेंट नंबर, संजिन वू जितना ही है, 50% क्रिट डैमेज और साथ में ये ब्रेक इफेक्ट में ज़्यादा डैमेज डील करेगी. सो शी विल बी द वन हु विल ब्रेक और फिर डैमेज भी यही करेगी. फुल लायन आर्म्ड सेट हम रन कर रहे हैं चोई जोंगिन पे ताकि इसे और भी ज़्यादा स्टैट बूस्ट मिले. अटैक के टर्म्स में उतना ज़्यादा नहीं, 2600 अटैक ही है, बट स्टिल इट इज़ गुड इनफ. और वहीं पर अगर हम आते हैं पार्खीजिन पे तो 2-piece आर्म्ड सेट और 2-piece टफनेस सेट हम रन कर रहे हैं टू गेट दोज क्रिट हिट रेट एज वेल. तो 8% क्रिट हिट रेट, नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस, बट अभी के लिए यही हमारे पास है.
आर्टिफैक्ट्स इवन आफ्टर फार्मिंग ऑल ऑफ द ऑनकोर मिशन फॉर द डे. हम अभी अपना यहाँ पे ये एक्टिविटी फंड भी कलेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज हमें चाहिए कि हम लेवल 31 फ्री टू प्ले ही बीट करें इग्रिस को. ठीक है, तो चलिए चलते वापस से एक और बार, लेट्स चैलेंज हिम अगेन एंड देखते हैं क्या हम इसे हरा पाते हैं. तो हमारा पावर लेवल अब अगर हम देखेंगे तो 45,703 है, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट 50,500 है, तो अभी भी हम 4,800 पावर नीचे है कंपेयर टू जो रिक्वायर्ड है. तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बट ठीक है, आई बिलीव वी शुड बी एबल टू डू इट इन वन और टू ट्राइज. द ओनली थिंग जिसका एक इम्पैक्ट आ सकता है मैच पे कि हमें एक्सट्रीम इवेजन बहुत सारे सही समय पे लैंड करने होंगे, अदरवाइज देर इज अ गुड चांस वी माइट फेल द रन. तो बिगेस्ट डिफरेंस आपके वेपन्स और आपके अटैक नहीं लाते हैं मैच में, बल्कि आपके एक्सट्रीम इवेजन लाते हैं. तो यू हैव टू कीप इन माइंड. देखो ये एक्सट्रीम इवेजन हमारे यहाँ पे हुआ, वी आर गोना फ्रीज हिम और फिर हम आराम से इस पे ब्रेक लगाएंगे. ठीक है, सभी स्किल्स को यूज करके, सो दैट हम इसको ब्रेक कर ले जल्दी से जल्दी. आई थिंक ब्रेक हो जाना चाहिए. यस, देर वी गो, वी ऑलरेडी गॉट द ब्रेक. बैटल अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. अब यहाँ पे अपना काउंटरिंग ब्लो अटैक करेंगे, तो अब काउंटर अटैक करेगा ये, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट. अभी इसके अटैक करने का वेट करेंगे. देर वी गो, लेट गेट द शैडो स्टेप, फिर अभी हम इसको फ्रीज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डील मोर डैमेज. काउंटर स्किल का मेरे को कूलडाउन रखना चाहिए था एक्टिव. फिर से डॉच करेंगे, दैट इज गुड. फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे अब हम यहाँ पर. अब ये अटैक करेगा तो हम काउंटर अटैक एक्टिव कर लेते हैं. ओके, वी कुडेंट, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेक होने ही वाला है बस. अल्टीमेट यूज कर लेंगे हम बिफोर गेटिंग हिम ब्रेक, बट ठीक है, डिसेंट डैमेज. ओके, वी गॉट द शैडो स्टेप, इसको ब्रेक कर लेते हैं. फ्रीज कभी नहीं करेंगे हम, वी आर नॉट गोना यूज फ्रीज फॉर नाउ. इसको ब्रेक से हटने का वेट करेंगे हम फ्रीज के लिए. ओके, अब आई थिंक ये ओके, नाइस नाइस नाइस, वी गॉट द शैडो स्टेप, डिफेंस डाउन हमें मिल गया उससे. ओके ओके ओके, दैट कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है. ओके, इसको फ्रीज कर लेते हैं. एमा को आने दो, लेट्स ट्राई टू ब्रेक हिम, लेट्स डॉज. ओके शूट, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, वी ट्राई टू डॉज इट, बट ठीक है. ओके, शैडो स्टेप, नाइस, लेट्स ट्राई टू ब्रेक हिम. ओके, वी गॉट द ब्रेक, नाइस. अब इट्स अ केक वॉक फ्रॉम हियर. फ्रीज कर लेते हैं इसको. अल्टीमेट हमारा आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट. ओके ओके, 7 बार्स ओनली टू गो, ब्रेक पे है ये, लेट्स डू सम डैमेज. ओके शैडो, लेट्स गो. ओके, नो 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 नो, ऑलराइट. ओके, वी ट्राइड टू डॉज दैट, ओ माय गॉड, लेट्स फ्रीज हिम. Oh my god, we are 5 HP now. Okay, we died. ठीक है, I think एक और attempt लगेगा, but we're gonna get it. हाँ, बहुत ही close था, बहुत close था. We can do it. कुछ dodges last में मैंने mess up कर दिया. I think we can do it. Let's try again. So close. Okay, getting pumped up. ठीक है, it's gonna be fun. सो आई थिंक अगर आप अपने डॉजेज और गेम प्ले को थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे या फिर फोकस करोगे हाउ टू डॉज एंड मैकेनिक्स थोड़ा सा लर्न करोगे इग्रिस का, देन आई बिलीव यू विल बी एबल टू डू दिस एज वेल. इतना डिफिकल्ट फाइट भी नहीं है ये. ओके, हमारा डॉज नहीं हुआ, ठीक, बट ठीक है, वीर गोना फ्रीज हिम. फ्रीज से हम इसे हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. वीर गोना गेट द ब्रेक. ओके, वी गॉट द ब्रेक, नाइस. ओके, वाई इज ही नॉट अटैकिंग. ओके शूट, मैं सोचा डॉच कर लूँगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स फ्रीज हिम अगेन. अब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं इसको. ओके, लेट्स डॉच. ओके, शैडो स्टेप, नाइस. अल्टीमेट यूज कर लेते हैं.
नॉट द बेस्ट यूज ऑफ द अल्टीमेट बट ठीक है. लेट्स गो ब्रेक, लेट्स गो फ्रीज कर लेते इसको. ओके ओके वी कूड हैव डॉज दैट बट ठीक है. ओके लेट्स गो शैडो स्टेप नाइस. ओके चलो ठीक है. ओ माई गॉड आई ट्राई टू डॉज दैट. ओ माई गॉड ठीक है. अयो ठीक है. ओके शैडो स्टेप नाइस. लेट्स फ्रीज हिम. इज गोना बी टफ बट ठीक है. ब्रेक नाइस. एम आई डू सम गुड डैमेज. अल्टीमेट लेट्स गो. Let's go. Shadow step, nice. Freeze the shadowy wave. Freeze him. Let's go. We are very close, very close. अब हो जाना चाहिए. Don't mess up, Hunter. Okay, shadow step, nice. It's done. It's done. It's done. We got it. We got it. Let's go. Let's freaking go. Ooh, nice, nice. Looks so cool. Not yet. Not yet. I haven't lost yet. Let's go. Bro, this fight is god tier. This fight is god tier. You're an unworthy opponent. Let's go! After so many tries and everything, we got him. Got him, level 32. Nice, nice, nice. Pura free to play setup ke saath humne haraya hai. Now, one, we had two SSR weapon and two SSR character. जो कि मेरे हिसाब से फ्री टू प्ले के लिए बहुत ही अचीवेबल है. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. यू कैन ऑल्सो गेट दैट सिलेक्शन ड्रॉ से. आप करेक्ट कैरेक्टर्स को सेटअप करके ला सकते हो. यू कैन रीरोल योर अकाउंट टू गेट दीज कैरेक्टर्स एज वेल. दिस इज नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. ओके यू कैन गेट दिस रिलेटिवली ईजिली. ओके सो हमारा क्लास अभी लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट क्लास है. वी आर एट क्लास वन. सो वी हैव टू वेट टिल वी इंक्रीज आवर क्लास. बट या वी गॉट हिम. So with that, I hope this video helps. The build and all were very, very, I believe, free to play friendly. Not that anything, nothing was out of the ordinary. Bas humne game mechanics ka acche se istemal kiya hai. That is why we were able to beat Igris as an F2P very, very easily on day 3. Ye day 3 hai, jo ki abhi mid mein progress mein hai. So this is our day 3 and we defeated him already. So this was one of the toughest battle in the game, I believe. Next up, the challenge is going to be Vulcan और उसके बाद Baruka. So those are two who are difficult to beat. And last में definitely the Necromancer who is in the tower. So 15th chapter पे, that is a tough boss जो कि मैंने अपने main account पे भी नहीं beat किया, but we'll get there eventually. So yeah, with that, I hope this guide will help you in defeating Igris. अगर मदद करेगा तो definitely video को like कर देना, channel को subscribe कर देना. मिलेंगे आपसे अगले video में. तब तक के लिए पीस आउट. टेक केयर. अराइज़.